हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का बायोस्टेटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन और मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ के टोटल कंप्लीट कर दिया है। और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था मीजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है, डिस्पर्सन रेंज के बारे में पूरा पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। तो मीजर ऑफ डिस्पर्सन में हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आज स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा पढ़ के बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट करेंगे। और ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो लेक्चर आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पूरा जरूर देखना। अगर एक बार ध्यान से लेक्चर देख लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इनके जितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे बहुत ही आसान मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं दबा लेना, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, अगले वाले लेक्चर में इसे स्टार्ट करेंगे और हो सकेगा तो एक ही लेक्चर में इसे भी कंप्लीट करके यूनिट फर्स्ट आपका द एंड कर देंगे। तो दोस्तों, हेडिंग डालेंगे मीजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो सिंपली आप लोग जान लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट वर्ड में एसडी बोला जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं स्मॉल सिग्मा से। ठीक, स्मॉल सिग्मा से इसे डिनोट किया जाता है। तो सिंपली आप लोग अगर थ्योरेटिकल लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डाटा को सेट किया जाता है, जिसके इसमें क्या किया जाता है, लार्जर स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन जो होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ लिख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इंडिविजिबल सीरीज के बारे में देखेंगे। अब इंडिविजिबल अगर पता चल जाएगा तो हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज क्या होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में, तो क्वेश्चन इसमें आपके थोड़े बहुत बदलेंगे। यही होता है ना, इंडिविजिबल अगर आप लोग को पता चल गया तो कंटिन्यूअस सीरीज हो गया, डिस्क्रीट सीरीज हो गया, तो ये चीज आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। मेन आपका जड़ यही होता है। ठीक, तो बात करते हैं कैलकुलेशन आप स्टैंडर्ड डिविजन में क्या इंडिविजिबल सीरीज के बारे में। ठीक, तो इसमें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के इंडिविजिबल सीरीज को तीन मेथड के द्वारा। और ये तीन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा मेथड है? सबसे पहला मेथड हमारा है डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमारा शॉर्टकट मेथड है, तीसरा हमारा जो मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। अब तीनों मेथड के कौन कौन से फार्मूले हैं, इसी फार्मूले पर क्वेश्चन बनते हैं, इसी फार्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला ये है, ये सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा से किसको डिनोट किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर में सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट मेथड का फार्मूला, और ये हमारा हो गया शॉर्टकट मेथड का फार्मूला, और स्टेप डेविएशन मेथड का ये हो गया फार्मूला। अब इन फार्मूलों पर किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड के मान लीजिए क्वेश्चन आ गए, तो यहां पर आप लोग को दिख रहे हैं कि नहीं, डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन को, जिसके यहां पर दे दिए हैं 12 हो गया, 8 हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, 11 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। अब डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, सबसे पहले आप लोग यहां पर लिख लीजिए कि फार्मूला क्या होता है। तो अब आप लोगों को डायरेक्ट मेथड का फार्मूला इसको वहां पे लिखना है, तो चलिए इस फार्मूले को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को रखेंगे, फार्मूले को रखेंगे। अब आप लोग को यक्स का मतलब समझ में आ रहा है, यक्स ये वैल्यू टोटल है, यक्स का ये टोटल वैल्यू है, लेकिन यक्स बार कैसे निकालेंगे? तो यक्स बार मतलब क्या होता है, यक्स बार का मतलब होता है एरिथमेटिक, यक्स बार का मतलब होता है एरिथमेटिक मीन। और एरिथमेटिक मीन का फार्मूला आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है, यक्स बार इक्वल टू सम ऑफ यक्स अपान यन। सम ऑफ यक्स का मतलब होता है जितना टोटल यहां पर नंबर दिए गए हैं, जितना वैल्यू टोटल यहां पे दिए गए हैं, इन सभी को जोड़ना है। ठीक, क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करेंगे, अब इन सभी को आप लोग टोटल क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो टोटल कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे जो हमारा, तो हमारा आएगा 110। अब यन का मतलब क्या हो गया, अब काउंट करिए कितने नंबर यहां पर दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां पे लिखेंगे अपान 10। ठीक, अब इसको और शॉर्ट कर लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए और 1 से डिवाइडेड करिए इसमें, तो हमारा आएगा 11। 11 आया ना, तो सिंपली आप लोग का यहां पे निकल गया यक्स बार इक्वल टू 11। अब यहां पर आपका एक चीज तो साफ साफ निकल के आ गया, यक्स बार का वैल्यू। अब यहां पर आप लोग को एक काम करना है, एक काम क्या करना है, आपको यहां पर एक बनाना है टेबल, टेबल यहाँ पे टेबल बनाना है, यहाँ पर लिखना है यक्स,
उसके बाद फिर इसको कॉलम को बंद कर देना है और फिर यहाँ पे एक बनाना है यक्स माइनस यक्स बार, ठीक। उसके बाद फिर एक कॉलम बनाना है और यहाँ पे लिखना है यक्स माइनस यक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इसको भी बंद कर देना है। तो ये कॉलम यहाँ पे है। अब आप लोगों को ध्यान से यहाँ पर देखना है यक्स में वैल्यू को पुट करना है। तो यक्स में वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 12, फिर क्या है 8, फिर क्या है 17, फिर क्या है 13, फिर क्या है 15, फिर क्या है 9 है, 9 के बाद 18 है, 11 है, 6 है, उसके बाद 1 है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको पूरा का पूरा लिख दिया ना। तो ये है यक्स का वैल्यू। अब देखिए यक्स का वैल्यू जो यहाँ पे दिया गया है इसमें से हम लोग यक्स बार को माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे मतलब क्या हुआ, जैसे यक्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे 12, ठीक। उसके बाद माइनस यक्स बार कितना है हमारा 10 है, 10 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपली 10। देखिए मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पर हमारा 11 है, हमने यहाँ पे 10 लिख दिया है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा कि यहाँ पर रहेगा 11, ठीक। अब यहाँ पे माइनस करना है 11 को, ठीक। अब जब 12 में से 11 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यही चीज़ आप लोग को करना है। अब यहाँ पर देखिए 8 में से 11 गया तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर हमारा बचेगा -3, यहाँ पर -3 बचेगा। अब देखिए 17 में से हमारा 11 जाएगा, अब बताइए कितना बचेगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा 6। 13 में से 11 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, हमारा 2 बचेगा। 15 में से 11 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। फिर में 9 में से 11 जाएगा तो माइनस हमारा इक्वल टू -2 बचेगा। उसके बाद 18 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा। 11 में से 11 जाएगा तो बचेगा 0। मेन बेसिक पॉइंट ये समझ में आ गया तो सही है, नहीं आया तो यहीं पर कन्फ्यूज होंगे आप लोग। अब 6 यक्स का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यक्स का वैल्यू लिखेंगे और यक्स बार लिखेंगे और इसको माइनस करेंगे, यही काम आपको करना है। उसके बाद 6 में से हमारा जाएगा 11 तो माइनस में बचेगा, -5 बचेगा। उसके बाद 1 में से 11 जाएगा तो इक्वल टू हमारा कितना बचेगा, -10 बचेगा। अब इस कॉलम को बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा कॉलम छोटा बन गया है। अब देखिए किसका किसका वैल्यू निकल गया, यक्स तो साफ निकल गया, यक्स माइनस यक्स बार का भी वैल्यू यहाँ पर सिंपली निकल गए 1, 3, ये सब निकल गए। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, जो यक्स माइनस यक्स बार का वैल्यू यहाँ पर साइड में निकल के आ गए हैं, अब इनको एक स्क्वायर में करना है। जैसे यक्स माइनस यक्स बार का वैल्यू यहाँ पर आ गया है, अब इन सभी का यक्स माइनस यक्स जो है यक्स माइनस यक्स बार इनका स्क्वायर करना है। जैसे यक्स माइनस यक्स बार का वैल्यू यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ पे 2 आया है, अब इसको होल स्क्वायर करना है, 2 पे 2 करना है तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वही काम आपको यहाँ पर करना है। अब इसमें कितना भी होल स्क्वायर करें लेकिन ये हमारा 1 ही रहेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 6 का करेंगे 36 हो जाएगा, 2 का करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 का करेंगे 16 हो जाएगा, उसके बाद 2 का करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 7 करेंगे 49 हो जाएगा, ठीक। आप लोग को आता ही होगा टेबल। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा, 5 का करेंगे 25 होगा, 10 का करेंगे 100 होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो है ये टोटल यहाँ पर वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग अगर टोटल करेंगे सम आप यक्स माइनस यक्स बार का स्क्वायर, तो टोटल अगर सबको आप लोग जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 244। अब 244 किसका वैल्यू आ गया, 244 आपका आ गया यक्स माइनस यक्स बार का होल स्क्वायर का, ठीक, इसका आ गया। अब आप लोग को करना है फार्मूले का इस्तेमाल। अब फार्मूले का इस्तेमाल क्या करेंगे, आपका फार्मूला ये है, ठीक, होल स्क्वायर ये है। अब इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर सिंपली देख लीजिए इसकी जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सम आप यक्स माइनस यक्स बार इक्वल टू कितना आया है 244। तो यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे और लिखेंगे 244 लिख दें। अपान कितना लिखेंगे, अपान यन लिखा गया ना, तो ये इसके जगह पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपान 10 लिखेंगे। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पर आते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 244 अपान 10 दिया गया है। अब इससे आप लोग डिवाइड कर देना तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24.4, ठीक। अब देखिए अंडर रूट निकालने तो सभी लोग को आता ही होगा, आई होप आप लोग को ऐसा नहीं होगा कि अंडर रूट नहीं निकालने आता है। जैसे मान लीजिए अंडर रूट यहाँ पर दिया गया है 25, तो इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा 5 आएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 9, तो 9 अंडर रूट में दिया गया है तो इसको बाहर निकालेंगे 3 आएगा। 4 अंडर रूट में है तो बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। अब जब देखिए यहाँ पर 24 है तो 24 हमारा 5 अगर होता, 25 होता तो यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से निकाल के 5 लिख देते हैं, लेकिन 24.4 है
तो हमारा कितना लमसम में जाएगा, तो ये लमसम में जाएगा 4.9.3। मतलब ये हमारा अगर 25 होता तो बहुत ही आसानी से हम लोग 5 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, 24.4 है, तो लगभग में ये अप्रोक्स हमारा होगा इतना। ठीक, तो ये हमारा अप्रोक्स में इतना होगा। तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 4.9.3। ठीक, 93 ये हमारा आ गया। तो देखिए यही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, आप लोग को टेबल बना के समझा रहे थे, तो ये आ गया। अब मान लीजिए हम लोग निकालते हैं इसका सिग्मा का स्क्वायर करते हैं, तो इसको आप लोग स्क्वायर में करेंगे तो ये इतना आएगा। ठीक, वेरियंस निकालना होगा तो वेरियंस भी निकाल लेंगे इस तरीके से, इसका स्क्वायर हो गया, आप जाइए इसको स्क्वायर करिए तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक, मतलब क्या करना है, सिंपली अगर एक पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं इसको तो कर लीजिए 4.93 × 4.93। आप कैलकुलेटर से अपने कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कोफिशियंट आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है अपान एक्स बार। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है हमारा, 4.93 आया है। ठीक, तो इसकी जगह पर 4.93 लिखेंगे, और हमारा एक्स बार कितना आया है, एक्स बार हमारा 11 आया है। 11 कैसे आया है, हम लोग यहाँ पर किए हैं, इसको पूरा जोड़े हैं तो हमारा 110 आया है। 110 आने के बाद क्या किए हैं, इसको पूरा का पूरा जोड़े हैं, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख के इसको कट किए हैं तो 11 आया है। तो एक्स बार की जगह पर हम लोग लिखेंगे 11। ठीक, तो इसको रख के अब इसको कट करेंगे तो हमारा ये आएगा। तो कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से निकालेंगे। यही आपका मेन बेसिक यही कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, देखिए शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं। अब शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या है, शॉर्टकट मेथड का फार्मूला आपका ये है, यही है ना। देखिए शॉर्टकट मेथड का फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, इसमें शॉर्टकट मेथड का फार्मूला यहाँ पे बहुत ही आसानी से लिखा गया है, और वैल्यू यहाँ पे दिए गए हैं। अब वैल्यू को आप लोग एक काम करिए, यहाँ पर एक्स की जगह पर पूरा का पूरा वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू लिख लिए आप लोग। अब यहाँ पर आपको एक वैल्यू कोई भी एज्यूम करना है, कोई भी एक वैल्यू को चूज करना है जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। 10 चूज कर सकते हैं, 20 चूज कर सकते हैं, 26 चूज करते हैं, जो आपको आसान लगे। ठीक, तो मान लीजिए एज्यूम्ड वैल्यू आपने चूज कर लिया ए को, ठीक, ए को चूज कर लिया, तो ए इक्वल टू लिख देंगे 20। कोई भी इसमें से वैल्यू आप चूज कर सकते हैं, केवल यहाँ पे 20 ही नहीं है, कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू हमने 20 लिख दिया, समझ गए आप लोग। अब डी एक्स इक्वल टू यक्स माइनस ए होता है, ठीक, डी एक्स इक्वल टू यक्स माइनस ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू यहाँ पे दिए गए हैं, यक्स का वैल्यू, और ए हमने एज्यूम्ड चूज किया है 20 को, तो क्या करेंगे, यक्स में से ए को माइनस करेंगे। तो यक्स की जगह पर ये सब लिखेंगे और ए की जगह पर 20 लिखेंगे, और इनमें से माइनस करते हुए जाएंगे तो सबका वैल्यू अपना निकल जाएगा, वैल्यू निकल गया। अब देखिए डी एक्स का वैल्यू सबका यहाँ पर निकल गया। अब डी एक्स का जो ये वैल्यू यहाँ पे निकले हैं, इनका सबका स्क्वायर कर लेना है। जैसे यहाँ पर 12 आया है तो 12 × 12 कर लीजिए, कितना आएगा, 144 आएगा, 10 का 100 आएगा, 8 का 64 आएगा, ऐसे आपका पूरा का पूरा वैल्यू निकल जाएगा। और टोटल हम लोग करेंगे सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर, तो हमारा 420 आएगा। ठीक, और इसका हम लोग टोटल करेंगे डी एक्स इक्वल टू, तो टोटल हम लोग करेंगे तो जो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस में दिए गए हैं, ये सब यहाँ पे जोड़ करके हम लोग कितना आ जाएगा, जैसे यहां पे 2 है और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 यहां पे है तो ये प्लस में हमारे 12 हैं। ठीक, और इसको जोड़ेंगे 12 हो गया 10, कितना हो जाएगा 22, 8 जुड़ जाएगा 30, 30 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा माइनस में 42 हो जाएगा, और प्लस में हमारा कितना है 6, 4, 10 + 2, तो हमारा इसमें हो जाएगा प्लस में जो है ये हमारा है कितना है यहाँ पे 12 है। अब इसको जब घटाएंगे तो माइनस 30 हमारा बचेगा, तो इसको हमारा करेंगे तो हमारा माइनस 30 यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पर सिंपली सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर रखना है टोटल कितने हैं, नंबर लिखना है, और ई डी एक्स अभी बताएंगे इसको क्या करना है। तो देखिए सिंपली आपको रखना है यहाँ पर 420 लिखेंगे और अपॉन 10 करेंगे, कट करेंगे इसको, और माइनस ई डी एक्स का स्क्वायर करेंगे, तो सम ऑफ डी एक्स जो है ये कितना है, सम ऑफ डी एक्स हमारा 30 है, 30 है ना, तो 30 यहाँ पे लिखेंगे और नंबर टोटल काउंट कर लेना कितना है, 10 है। ठीक, 10 है। अब 0 से 0 कट कर लीजिए पहले ही आप लोग। ठीक, तो यहाँ पर 3 बचा, 3 को हम लोग जब करेंगे 3 × 3 मतलब होल स्क्वायर करना है, तो हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, और इसको 0 से 0 कटे करेंगे तो हमारा 42 बचेगा, 42 में से 9 कटे होगा तो हमारा 33 बचेगा, और 33 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा इतना आएगा। बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। उसी तरीके से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड होता है, तीसरा मेथड जो हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसमें क्या होगा, अब स्टेप डेविएशन मेथड में आप लोग को वही काम करना है, क्या काम करना है, पहले तो रखेंगे फार्मूला,
फार्मूला रखेंगे। यक्स में आप पूरा का पूरा ये वैल्यू लिखेंगे, जैसे पहले 500 हो गया, 700 हो गया, 1000 हो गया, 1500 हो गया, 1300 हो गया, इसको रख लिए। अब आपको कोई भी एक चूज करना है जो कि हमारा एज्यूम्ड वैल्यू होगा, जिसे आप लोग चूज करेंगे। तो मान लीजिए हमने इसको चूज किया, ठीक। अब इसे चूज किया तो डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, यक्स माइनस ए होता है, ठीक। तो यक्स की जगह पर यक्स का वैल्यू रखेंगे, यक्स का वैल्यू कितना है 500 रखेंगे, ठीक। 500 में से 1000 को घटाएंगे, ठीक। तो 500 में से जब 1000 को घटाएंगे तो 500 बचेगा, फिर हमारा 1000 में से जब 700 घटेगा तो -300 बचेगा, फिर 1000 में से -1000 होगा तो कितना बचेगा, समझ रहे हैं ना आप लोग, समझना है आप लोग को। जैसे यक्स की जगह पर यक्स में से एज्यूम्ड वैल्यू को माइनस करना है, तो यक्स का वैल्यू ये है और एज्यूम्ड वैल्यू हमने इसको चूज किया है, तो 500 में से एज्यूम्ड वैल्यू को घटाना है, तो 500 में से 1000 जाएगा तो 500 बचेगा, ठीक। फिर 700 में से जब 1000 को घटाएंगे तो -300 बचेगा। अब 1000 चूज किए हैं तो ये हमारा यक्स का वैल्यू है, और एज्यूम्ड वैल्यू भी घटाएंगे, जैसे हमने यक्स का वैल्यू 1000 यहाँ पर है, ठीक, और हमने चूज भी किया है 1000, ठीक। तो 1000 चूज किया है तो माइनस जब करेंगे तो हमारा यहाँ पे जीरो होगा। देखिए आप लोग को समझाने के लिए, नोट्स भी हमारा थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक। तो यहाँ पर जीरो बचेगा। अब 1500 में से 1000 को घटाएंगे तो 500 बचेगा, फिर 1300 में से 300 घटाएंगे, 1000 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 300 बचेगा, ठीक। अब इसमें देखिए फार्मूले में यहाँ पर सी दिया गया है। सी का मतलब होता है कॉलम वैल्यू। कॉलम वैल्यू का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आगे जब क्लास इंटरवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लास इंटरवल का हो गया मतलब कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आ गया, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें अगर कॉलम वैल्यू सी दिया गया है तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, मान लीजिए क्लास इंटरवल में 10 से 15 दिया रहता है, 15 से 20 दिया रहता है, 20 से 25 दिया रहता है, तो हमारा सी का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली मान लेना है 500 है, 700 है, 1000 है, तो सिंपली मान लीजिए यहाँ पर कॉलम वैल्यू सी इक्वल टू 100 होगा, सी इक्वल टू 100 होगा। तो क्या करना है आप लोग को, डी एक्स इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई सी। सिंपली आप लोग बात जानिए, जो आप लोग का यहाँ पर आया है उसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 100 का डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर 500 आया है, ठीक, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इस कॉपी में लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 500 आया है, ठीक, 500 है। अब 500 को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से, 100 हमारा कॉलम वैल्यू है, ठीक। तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर उसी तरीके से 100 से डिवाइड करते गए। अब मान लीजिए यहाँ पर 300 है, 300 है, तो यहाँ पर 300 लिख लीजिए और 100 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 खटाखट काट दीजिए, हमारा 3 आ जाएगा, ठीक। 0 से क्या डिवाइड करेंगे, फिर 500 से 5 है, 300 से हमारा 3 हो गया, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस को अगर टोटल करेंगे तो 5 3 8 माइनस में आएगा और 5 3 8 प्लस में आएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करना है, अब ये जो यहाँ पर आया है सब कुछ, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, होल कर लीजिए। तो 5 का 5 × 5 कर लीजिए, 25 आएगा, 3 × 3 कर लीजिए, 9 आएगा, उसी तरीके से आएगा, टोटल करेंगे 68 आएगा। अब इस फार्मूले पर सीधा सीधा रख लीजिए, फार्मूले पर कैसे रखेंगे, देखिए 68 इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे 68। अब इसको जोड़िए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो इसकी जगह पर लिखेंगे 5, ठीक। अब ई डी एक्स कितना है, सम ऑफ डी एक्स का कितना है हमारा, 0 आया है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, 0/5 × 100, ठीक। तो 0 का 5 में डिवाइडेड करेंगे, 0 ही आएगा, ठीक। और इसको हम लोग कट करेंगे, 3.68 आएगा, 100 बचा है, 100 को हम लोग करेंगे तो हमारा कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रॉक्स में इतना निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी रहे, जैसे ये हो गया, इंडिविजिबल हो गया, डिस्क्रीट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, कोई भी क्वेश्चन रहे, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।